नाम तो उनका तो यही था, मगर दिल वालियां प्यार से उन्हें हाय कहा करती थी। मुझे भी सर से पांव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय, गुनी सोने की तरह दमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार बाल, गहरी सब्ज आंखें ऐसी कि एक बार कोई जीव भर के उनमें झांक ले तो जन्म जन्म घनेरे जंगलों में भटकता फिरे, मीठी मीठी मुस्कुराहट एक कह के शहीद होने को जी चाहे, उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती है। मालूम होता था बड़ी फुर्सत से मजे ले लेकर उन्हें गढ़ा है। कमसिनी से उन्हें दिल दुखाने का जश्न पड़ चुका था। गिर्दो निवासी तकरीबन सब लड़कियां वक्तन फवक्तन दिल हार चुकी थी। जिस महफिल में चले जाते दिलवालियों के कुश्तों के कुश्ते लग जाते, शोहर अपनी बीवी समेट कर चौकन्ने हो जाते। कुंवारियों की मांएं फौरन इनकी बहनों और मां पर वारी सदके होने लगी। कॉलेज ही में थे कि पैगाम चढ़ने लगे। नौकर होते ही तो लोगों ने यलगार बोल दी। बहनों की सहेलियों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल हो गया। देख दावतों पे दावतें होने लगी। एक से एक तीखी सलोनी हसीना मां गाड़ियों जहेज से इन्हें जीतने पर तुल पड़ी। अगर बजाज 50-60 ठांग खोलकर सामने फैला दे तो अकल औंध जाती है, इंतखाब मुश्किल हो जाता है। यही हाल बेचारे हाय का हुआ। कभी एक पसंद आई, कभी दूसरी, कभी एक साथ कई कई पसंद आ जाती, अभी सब जी से उतर जाते। कोई उनके मुकाबले की थी भी कहाँ, वो थे भी हुक्म का इक्का। उनके सामने कोई पाए का अट्ठा था तो कोई नहला दहला। वैसे दिलवालियां तो चौपे पंजे से ज्यादा नहीं थी। जानती थी वो उनकी दस्तरस से बाहर हो गए दिल से मजबूर। उन्हें देखकर ठंडी आहें भरने और आंसुओं से तकिए भिगोने से इन्हें कोई रोक सकता था? और बेचारी आलिमा तो निरीपान की तुक्की थी। फर्क इतना था कि उसके सीने में शायद दिल नहीं था, क्योंकि अगर दिल होता तो वो जरूर हाय के दूध जैसे सफेद पैरों तले लौटता होता। बदसूरत इंसान से इन्हें जुड़ती, खासतौर से औरत को तो बदसूरत होने का हक भी उनके नजदीक ना था। कहते थे अगर औरत हसीन नहीं है ही क्यों। इसलिए आलिमा को देखकर उनके रूंटे खड़े हो जाते थे। जी भर के काले, ऊपर से सीख सलाई कि सुई के नाके में से घसीट लो। मुजस्सम माशूक की कमर थी। लोग इनके वालिदैन पर तरस खाया करते, जाने किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं। यहाँ अच्छी भरी हसीन जहेज वालियां उठाए नहीं उठती। ये अल्लाह की रहमत, इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा। सीख सिलाई भरी थी मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम को रैकेट हिलाती आत्मा। बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थी, मगर मजा ले जो एक हाथ भी मार जाए, सारे कोर्ट पर मकोड़ी की तरह उल जरूर फुट सकती। इस अनाड़ीपन पर जलकर हाय फौरन रैकेट फेंक कर थम से सीढ़ियों पर बैठ जाए। अरे अब्दुल भाई साहब, इतनी जल्दी थक गए? तो अपनी छोटी छोटी आंखें टपटपा दी। लफ्ज अब्दुल से हाय को चिड़ थी जैसे ऊपर के काम का छोकरा। आलिमा बदसूरत ही नहीं बदजौब भी थी। उस रात किसी के हसीन तसव्वुर में गर्क होने की बजाय अब्दुल हई गुस्से से फुनफुनाते रहे। काली माटी, न जाने अपने आप को क्या समझती है, कमबख्त मरी हुई छिपकली, खुदा कसम उपकारी आती है। आलिमा को मालूम हुआ कि हई उसे चिड़ी की तुक्की कहते हैं, तो गिलहरी की तरह महीन महीन आवाज में खूब हंसी कहने लगी। चलो जिंदगी में एक बात तो आपने की कही। दिल वालिया हाय के बारे में ऐसी गुस्ताखी की बातें सुनकर लरज उठी। तुम्हारे सीने में तो दिल ही नहीं जूते का तला है, वो जलकर क्या? तला बड़े काम की चीज होती है, पानी में जलकर नहीं चुकते। आज मत सवा जाओ, क्या इरादा है? कहूँ मैं शादी नहीं करूँ। करूँगी क्यों नहीं? और मोहब्बत? मोहब्बत तो शादी कब होती है, वो तो तलाक होती है। भला आदमी मिला तो नहायत शानदार इश्क किया जाएगा। हाय के बारे में क्या ख्याल है? जिक्र भले आदमी का था तो भले आदमी नहीं, तो अगर वो भले आदमी तो क्या उनको तो आदमी कहना ही दगाबाजी है। अरे अब्दुल भाई आदमी नहीं माशूक है, फिर मुझसे तो माशूक ना चले जाए, कहां मैं नखरे उठाती फिरूंगी। तो
तुम समझती हो कोई तुम्हारे नखरे उठाएगा? जरूर उठाएगा। कौन? जिसे गरज होगी वो नखरे उठाएगा। नहीं, कभी आईने में अपना मुंह देखा है? रोज देखती हूँ। आईने से पूछती हूँ, आईने रे आईने, है कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हंसी? आईना कहता है जी तौबा कीजिए। आज मैं अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाती। एक नुस्खा था पीर बहरा, हजार बार का आजमाया। इसके इस्तेमाल से अब्दुल हई हमेशा सुरखरू हुए थे, और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को लगता, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिसका सिसका कर उसका फलिया मिला देना। सख्त तिगड़मबाजी की जरूरत होती है इस वक्त। क्यों? थोड़ी लड़कियां पहल करके आशिक होने की आदि नहीं, इसलिए उन पर आशिक होने का मुकाबला नाटक खेलना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया। पहली लड़की से उन्हें खुद बखुद इश्क हुआ था, 16 बरस के थे, वो भी इतनी होगी, लेकिन इन्हें शादी के बाजार में अभी आने में देर थी। चुनाचे 2 साल बाद लड़की की शादी हो गई, और जब ये बरसरे रोजगार हुए तो वो 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस अरसे में इन्होंने कई इश्क किए। इश्क की मश्क से इनमें बड़ी पुख्तगी आई। ऐसे ऐसे गुर इन्होंने सीखे कि खुद कोरे निकल जाए, मुकाबला चित हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते फुतुहात हासिल होने लगी। नजर भर के देखा, 2 चार चटकते हुए जुमले तुली हुई आवाज में सरकाए, गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंका, और माले गनीमत समेट। मगर बदसूरत लड़कियों से इजहार इश्क कोई कैसे करे? बदसूरत लोग अपने गिर चट्टाने खड़ी कर लेते हैं, तला मजबूत है तो कांटा टूट जाता है। कम से कम भोली भाली हसीना को बहलाना तो इन्हें आता था, और किसे नहीं आता। लेकिन आलिमा की तो वही मिसल थी, ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सी थी? राह बनाने के लिए कोई तो रोजन चाहिए, खड़ंजे से सब थोड़ा कहाँ की दानिश बनती हो? ऐसी बेबसी इन पर कभी ना छाई। सारी दिलवालियां भी मिलकर इस एक जख्म का मरहम न बन सकी जो आलिमा की इस कलाबंदी से रिसने लगा। इन्होंने खूब जाल फेंके, जल्दी की बहसों के सिवा और कुछ हाथ ना आए। सोचा जाहिरी हुस्न के जिक्र से कतरा कर कुछ रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए, मगर आलिमा फिजिक्स में रिसर्च कर रही, भूत परे से उसे दिलचस्पी न थी। वैसे वो कुछ ज्यादा बाशोर और खुशबू भी ना थी, नहायत टर्री कचबैस, आवाज मीठी थी मगर बातें कड़वी कसे। भाई छिड़ गए, खिसियानी दिल्ली बन गए। अब वो मजाक में कहकहे लगा कर अपनी अम्मी से कहते, भाई उस हसीना महजबीना को हमारा पैगाम भेज कि हम उस पर एक छोड़ 1000 साल से आशिक हो चुके हैं। है परी रो रहम फरमा वल्लाह अम्मी। लड़की जात ये हरकतें करती तो अम्मा की तो नाक चोटी कर जाती, लेकिन बेटे की हर दिल अजीजी पर वो भी ठूरी न समाती थी। जब किसी लड़की से पींग बढ़ाते वो भी होने वाली बहू पर आशिक हो जाती, उसके वो चाव चोचले करती कि तौबा। फिर जब भाई उठता जाते और उनका रवैया बदल जाता तो माँ का इश्क भी एकलक तरफ उचटका हो जाती, बहने की लिखाई बरतने लगती। सच है वही सुहागन है जिसको पिया जा। एकदम उसके खानदान से किसी बात पर लड़ बैठती और बेटे की पच रखने को कह देती, लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं, चल चल के नहा आती है। उसके बाद झट उस लड़की की शादी हो जाती या कहीं दिल की मरम्मत कराने रवाना कर दी जाती, और नई उम्मीदवार के सामने माँ बहने मिलकर खूब उसका मजाक उड़ाती। जरा सीधे वो बात क्या कर लेता था, उतार वही हो गए, मुझे तो फूटी आंख नहीं भाती थी। फिर सब मिलकर नई लड़की पसंद करती, उसका आना जाना बढ़ाती, फिर सेहरे के फूलों और चढ़ावे के सुहाने जिक्र छिड़ते। लेकिन आलिमा के लिए मजाक में भी पैगाम भेजने का जिक्र सुनकर चाहत की मारी अम्मा सहम गई। ना बेटा, ये मजाक पराई लड़की का उड़ाना अच्छा नहीं। अल्लाह ना करो ये पावन कबूल कर लिया और तो क्या हुआ, बस चांद सी बहू लाइएगा। मुझे ऐसी बातें जरा नहीं भाती, उनके बाबा वैसे ही खरदिमाग है। तो क्या हम उनकी साहबजादी को गाली दे रहे हैं, पैगाम ही तो भेज रहे हैं। तो हर दीवाने वो तो सराखों को उठाएंगे पैगाम। मजाक हद से बढ़ जाए तो कमीनापन बन जाए। ये मजाक कुछ इतना बढ़ा कि बात आलिमा के कानों तक पहुंची। सबने सोचा, सुनकर रोही तो पड़ी, लेकिन तौबा कीजिए जनाब, आलिमा ने सुना तो कान पर हाथ रखकर बोली, ना बाबा मैं कहां जलेबियों के थाल पर से सारी उम्र मक्खियां उड़ाती फिरूंगी। अब तुझे साहब ठहरे मासूम, उनमें किसी का शौहर या बच्चों का बाप बनने की सलाहियत ही नहीं।
अरे मुझे ऐसी बदसूरत औरत की भी ये सजा नहीं होनी चाहिए, मुझे कैसा सजा होगा? अंगूर खट्टे वाली बात है, ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो दिलवाई अब किरस गई ना भाई, मैं क्या करूंगी हसीन दूल्हा का, वो मुझे किराए पर चलाना है। भाई ने सुना अना की कहा छूट गई, बहुत सूर है कम वक्त, सूरत से बढ़कर दिल काला है। उधर आलिमा अपने थीसिस पर लगी हुई थी, बैडमिंटन कभी का खत्म हो चुका था, उसका जिक्र भी फीका पड़ चुका था, फंसा कुंद थी। भाई ने बौखला कर दो तीन और हाथ मारे, एक भूते काफिर पाकिस्तान से भी आए, पर मालूम हो कि माल एक्सपोर्ट के लिए नहीं है। हाँ, दूल्हा को इम्पोर्ट किया जा सकता है माँ अमरीकन फर्म में नौकरी। आलिमा ने सुना तो बिलक उठी, इन्हें एक्सपोर्ट करके चिलोगों से मंगवा लिए। कितना फायदा रहेगा, कौन का भी फायदा, मुल्क भी थू। दिलवाजा लड़ पड़ी, अंगूर खट्टे इसलिए थू थू, जो मिल जाए तो हप हप। मगर आलिमा अपनी बात पर आई गई, क्या आपको रही खान का वजूद कौम और मुल्क के लिए फख्र की बात नहीं? वैसे औरत जात के लिए तो वो जहर हलाहल है, वो दिलों से खेलते हैं और खेलते रहेंगे, बुड्ढे खूसट हो जाएंगे पर यूं ही मैदान मारते रहेंगे, न जाने कितनों के घर बिगाड़ेंगे, कितनों की बीवियां भलाएंगे और कितनों के दिल खाक में मिलाएंगे। उधर हई ने सुना तो खूब हंसे, कहने लगे दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह आशिक है, इसलिए मुझे बदनाम कर रही है, सब मुझसे खौफजदा हो गए ना। तो उबैद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद देते थे, 40-45 बरस के होंगे, बीवी कुछ साल हुए, दो बच्चे छोड़कर मर चुकी थी, उनकी तरफ से आलिमा के लिए पैगाम आया तो कबूल कर दिया गया, आलिमा की भी मर्जी थी। हई ने सुना तो कहकाओं से खर सर पर उठा दिया। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। शादी की मुबारकबाद देने घर गए तो यूं ही कह दिया, आपने भी किस बोर के साथ शादी का फैसला किया है? हाय, ज्यादा बोर तो नहीं? बहुत ज्यादा बोर है, दूसरे उनकी शक्ल नहीं आती, खतरनाक है, गंजे अलग है, मुझसे भी ज्यादा खौफनाक शक्ल है। कतई उनके सामने तो आप हसीन हैं। सच? हम बस तो फिर इससे बेहतर जोड़ कहाँ मिलेगा, दुल्हन को दूल्हा से हसीन होना चाहिए। बुड्ढे अलग है, दुल्हन को दूल्हा से कमसीन होना चाहिए। आपको मुझे मोहब्बत है? आप कौन के लिए पूछने वाले? आप तो जानती हैं मोहब्बत मेरी हॉबी है, इसलिए। ओह, थीसिस तैयार कर रहे हैं। हो सकता है मेरा थीसिस टाइप को करा जाए तब फुर्सत से इश्क का प्रोग्राम बनेगा। भाई ने रुकमा दिया है, तैयार हो रहा नहीं, बाकायदा प्रोग्राम बना। माफ कीजिएगा, ये नहायत चुगतपन की बात है, मोहब्बत को इस तरह की जाती है, बोले ये भी कोई थीसिस हो गई? क्यों, आप तो एक्सपर्ट है ना। ठीक, बिल्कुल ठीक, बस आपके पीएचडी राय से अगर मुस्तफीद हो सकूं तो। साहब से कुछ सीखा तो है, आप तो मशाक हैं, खटाखट 5 मिनट में मैदान साफ। आप कतई अनाड़ी हैं, कोई मजाक नहीं, वैसे आपको इस विषय के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल पेशेंट क्या आदमी है, आप उनके साथ खुश रह सकते हैं? खुश रहना इतना मामूली काम नहीं है, उतना निजी फेल है, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, गरीबी, बदसूरती, बुरी सेहत, कोई बला भी मुझे आज तक पस्त ना कर सकी, मुझे यकीन है वो खुश रहूंगी। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप इश्क की हतक कर रही हैं। आलिमा और उबैद साहब की शादी नहीं हो सकी क्योंकि अब्दुल हई ने उबैद साहब से जाकर साफ साफ कह दिया, आलिमा आपसे शादी नहीं करना चाहता। क्यों? उबैद साहब बहुत चक्के रहे हैं, वो किसी और से मोहब्बत करती है। किससे? मुझसे। हई ने मिस्कीन सूरत बनकर कहा और नजरें झुकाई। मगर आप जी, हई ने गर्दन झुकाई। हई के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया इश्क वाकई अंधा होता है। घर में सफ़े मातम बिछ रही, मजाक की भी एक हद होती है। अरे उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला, अम्मा ने आंसू भर कर कहा। अरे इस बदनामी के बाद अब निगोड़ी को कौन कबूलेगा?
मैं ही भुगतूंगा कमबख्त को। उधर आजमा ने तूफान सर पर खड़ा कर दिया। अरे कयामत खुदा है, मैं उस पगले से शादी नहीं करूंगी। अरे पगला कैसे हुआ, लोगों ने पूछा। तुम्हें पसंद करता है इसलिए। और क्या, मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है कि जो कोई बाहोश हवा इंसान मुझे पसंद करे। क्या क्या हंगामे हुए, खुदकशियों की धमकियां चली। हाय, पर तुझे तो चिड़ी की दुबकी से घिन आती थी। वो तो आती है और आती रहेगी। फिर तुझे क्या हो गया है मेरे लाल, क्यों अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है। काली माई ने जादू कर दिया है। ये मिस्कीन सूरत बनकर कहा और बड़े धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला। देख लेना, चार दिन में तलाक देकर मैं के फिकवा देगा। सबने पेशीन गोई। आज इस हादसे को 11 साल गुजर चुके हैं। इस बेहंगम जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती। सच है, चिड़ी की तुक्की अगर तुरप की हो तो हुक्म का एक कट जाता है।